अपराध की दुनिया बेखौफ होती है और अपराधी कहीं भी देते हैं वारदात को अंजाम, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वो एक ना एक दिन जुर्म करने वालों को पहुंचा देते हैं हवाला। नमस्कार, शिवम सोनी आपका स्वागत करता है जुर्म की अंधी गलियों से। आज हमारी खास पेशकश हवालात में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको हैरान कर देंगी, लेकिन यकीन मानिए इन कहानियों में गुनाह करने वाला आखिर पहुंचेगा हवाला। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल से जुड़े हनी ट्रैप के सनसनीखेज खुलासे के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी हनी ट्रैप का केस उजागर हुआ है, जिसमें एक डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट ने पहले कारोबारी को प्यार के जाल में फंसा और धोखे से अश्लील वीडियो बनाने की बात शुरू कर दी ब्लैकमेलिंग। इस छात्र हसीना ने अब तक कारोबारी से 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा ऐंठ लिए, लेकिन इसके बाद वो भी 50 लाख रुपए और मांग रही थी। कैसे छात्र हसीना आई पुलिस की गिरफ्त में, ये रिपोर्ट देखिए। रायपुर से हनी ट्रैप का सनसनीखेज केस सामने आया है, जहां पर आरोपी डेंटल कॉलेज की छात्रा प्रीति तिवारी ने एक कारोबारी को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर पहले उसके साथ अश्लील वीडियो बना लिया और कुछ दिन बाद उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर करीब 1.38 करोड़ रुपए वसूल किए। इसके बाद भी प्रीति 50 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी, लेकिन व्यापारी ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने से छात्र हसीना को दबोच लिया। सामने ये पीएस पंडरी का मामला है। पीएस पंडरी में प्रार्थी केतन शाह ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसके साथ एक युवती जिसका कि इसे फेसबुक के माध्यम से फ्रेंडशिप हुई थी, बाद में इनकी दोस्ती बढ़ते गई और इन लोगों में थोड़ा संबंध भी बन गया और इसके बाद लड़की इसको लगातार इसकी फोटो ले ली हूँ करके इसको परेशान करना चालू कर दी। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि आरोपी प्रीति 29 साल की है, जो कोरिया के मनेंद्रगढ़ की रहने वाली है और डेंटल कॉलेज से ड्रॉप आउट है, जिसने फेसबुक के जरिए कारोबारी को अपने हुस्न के जाल में फंसा और एक नजदीकी मुलाकात के दौरान अश्लील वीडियो बना लिया। कारोबारी को इस बात की खबर तब लगी जब प्रीति ने वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक अब तक युवक ने 1.38 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम प्रीति को दे दी है, लेकिन प्रीति और पैसों की मांग कर रही थी, जिससे तंग आकर युवक पुलिस के पास पहुंचा। तकरीबन इसे 1.5 करोड़ के आसपास से अभी तक इसे उगाही कर चुकी है। इसे इसके पास से अभी एक हुंडई का क्रेटा कार और एक मारुति का ब्रेजा कार इसे बरामद हुआ है, कुछ ऑर्नामेंट भी बरामद हुआ है। जितनी भी रकम इसने अपने पास ट्रांसफर करवाई, कुछ नगद करवाई है और कुछ बैंक के माध्यम से, और इसको अभी पुलिस रिमांड पे लिया गया है और अभी हम लोग और भी इससे पूछताछ करेंगे। पुलिस ने प्रीति के कब्जे से एक मारुति ब्रेजा कार और एक हुंडई कार बरामद की है, जो उसने कारोबारी को डरा धमका कर अपने कब्जे में कर ली थी। साथ ही कीमती सोने के जेवरात समेत कुल 47,50,000 रुपए का सामान जब्त किया है। हालांकि पुलिस ने यह भी साफ किया है कि इस हनी ट्रैप केस का भोपाल इंदौर वाले हनी ट्रैप से कोई कनेक्शन नहीं मिला। हालांकि पूछताछ में सामने आ रहा है कि प्रीति के साथ अन्य लोगों के जुड़े होने की आशंका है, जिसकी पूछताछ के लिए प्रीति को एक दिन की रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ में और भी जो भी लोग संलिप्त होंगे, अगर इसके साथ और भी कोई लोग शामिल होंगे तो निश्चित ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इसमें अभी हम लोग थाना पंडरी में आईपीसी की धारा 384-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए हुए हैं। विवेचना भी प्रक्रियाधीन है और इसमें पीआर में अभी हम और पूछताछ करेंगे और पूछताछ करने के बाद अगर कोई और भी तथ्य सामने आएंगे उसका हम आपको फॉलोअप भी देंगे और जल्दी से जल्दी इसमें और भी जो भी लोग संलिप्त होंगे उनके खिलाफ निश्चित ही विधिक एक्शन ली जाएगी।
शातिर हसीना प्रीति को दबोचने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया। जब वो कारोबारी से 50 लाख रुपए वसूलने आ रही थी, जैसे ही प्रीति मौके पर पहुंची, सादी वर्दी में तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। अब जांच कर रही टीम को प्रीति के मंगेतर रिंकी शर्मा समेत 4 आरोपियों की तलाश है, जिनको गिरफ्तार करने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। हवालात के लिए रायपुर से सत्या राजपूत की रिपोर्ट। राजनांदगांव पुलिस ने कैसी